Uh, अच्छा जी सो एक्सरसाइज नंबर जो क्वेश्चन टू है वो कह रहे हैं हमें क्या करना है बेसिकली एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है ठीक है थोड़ा uh, सा मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एडिटिव इनवर्स क्या चीज है uh, हमने देखा था हमने इसको uh, सीखा था कि एडिटिव इनवर्स जो है बेसिकली क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स हो आप उसके अंदर के जितने भी अलामा, जितने भी एलिमेंट्स हैं ठीक है एंट्रीज है उन एंट्रीज के अगर आप अलामत को चेंज करोगे यानी उनकी जो साइंस है सपोज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को नेगेटिव कर लो नेगेटिव अगर है तो उसको पॉजिटिव कर लो तो इस तरह इन सब के अलामत जो है इनके साइंस चेंज करोगे तो वो एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगा ठीक so, है सो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में तो फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली क्या है कह रहे के जो पार्ट नंबर वन है वो है ए इज इक्वल टू थ्री वन टू फाइव सो हम करेंगे हम लिखेंगे ए के जो एडिटिव इनवर्स है हम लिखेंगे द एडिटिव एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे प्लस थ्री हम लिखेंगे माइनस थ्री यहाँ पे है प्लस वन हम लिखेंगे माइनस वन ठीक है फिर है यहाँ पे प्लस टू प्लस टू को हम करेंगे माइनस टू और उसके बाद यहां पे है प्लस फाइव हम लिखेंगे इसको माइनस फाइव तो ये जो मैट्रिक्स है बेसिकली ये क्या चीज है ये मैट्रिक्स जो है ये मैट्रिक्स बेसिकली क्या है एडिटिव इनवर्स है चीज का मैट्रिक्स ए का ठीक हो गया ओके मूविंग फॉरवर्ड अब यहां पे जो है हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर थर्ड है वो कह रहे कि <coughs> उसका जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होगा सॉरी उसका एडिटिव इन्वर्स होगा कि आप इनवर्स इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू यहाँ पे जो है प्लस थ्री हम करेंगे इसको माइनस थ्री यहाँ पे है माइनस फोर हम करेंगे इसको प्लस फोर प्लस फोर के साथ जो भी एलिमेंट हो अगर उसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट जो है क्या होगा पॉजिटिव होगा वो प्लस होगा ठीक है अगर नेगेटिव है तो, तो हम तो हम उनके साथ नेगेटिव लिखेंगे सो so, ये जो मैट्रिक्स है बेसिकली क्या है ये मैट्रिक्स सी का एडिटिव इनवर्स है ठीक है फाइन पार्ट नंबर फोर्थ है कि ठीक है ये एक matrix दिया हुआ है एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है ओके सो लेट्स इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू ठीक है ये सब कुछ आप लिखोगे मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू ये है स्वेयर रूट ऑफ टू ठीक है स्कोर रूट ऑफ टू चूंकि ये पॉजिटिव स्क्वेयर ऑफ टू स्क्वेयर रूट ऑफ टू है तो आप लिखोगे इसको नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ टू फिर ये है पॉजिटिव फाइव आप लिखोगे नेगेटिव फाइव ठीक है ये है प्लस फोर आप इसको करोगे माइनस फोर फिर ये है पॉजिटिव स्क्वेयर रूट ऑफ थ्री आप इसको करोगे नेगेटिव स्क्वेयर रूट ऑफ थ्री ये बन गया चीज एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डी ओके सो आगे चलते हैं मैट्रिक्स ई है बेसिकली पार्ट नंबर फाइव है आपके टेक्स्ट बुक का जिसमें कह रहे हैं कि इक्वल टू इज इक्वल टू सो पार्ट नंबर फाइव है कि मैट्रिक्स E इक्वल टू मैट्रिक्स E इज इक्वल टू थ्री टू वन फोर फाइव थ्री इसका हमने क्या करना है कि एडिटिव इनवर्स फाइंड करना तो हम लिखेंगे द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ई इज कुछ भी नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा कि जो पॉजिटिव एलिमेंट्स है उनको हम नेगेटिव करेंगे जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव करेंगे सो दिस इज प्लस थ्री हम लिखेंगे नेगेटिव थ्री और ये हमारे पास है प्लस टू हम इसको लिखेंगे माइनस टू प्लस वन माइनस वन प्लस फोर माइनस फोर फिर प्लस फाइव माइनस फाइव प्लस थ्री माइनस थ्री क्या बन गया ये ये बना हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ई ठीक है मैट्रिक्स ई अच्छा इस क्वेश्चन में एक चीज ये भी पूछा गया है कि अल्सो शो दे यहाँ पे पूछा गया है कि अल्सो शो देट क्या हमने शो कराना है क्या साबित करना है हमने कि ए माइनस ए इज इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स मैट्रिक्स पहला चीज तो हमने ये शो कराना है दूसरा हमने इनको शो कराना है कि ई माइनस ई इज आल्सो अनल मैट्रिक्स और एक चौथा चौथा चीज हमने इनको शो कराना है वो है कि डी डी प्लस नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू अगेन डी ठीक है अच्छा भाई सो so, हम स्टार्ट करेंगे Uh, पहले वाले से यानी ए माइनस ए इज इक्वल टू ओ यानी नल मैट्रिक्स तो हमने देखा था कि हमारे पास आ, आ, अब देखिए हम इस ए माइनस ए को बेसिकली इस तरह लिख सकते हैं कि ए प्लस माइनस ए ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू ओ लिख सकते हैं ठीक है थीके? पार्ट नंबर वन जो है वो इसके जो कह रहे हैं कि वो है ए माइनस ए इज इक्वल टू ओ मैट्रिक्स। सो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड जो कि ए माइनस ए अच्छा क्या हम ए माइनस ए को ए प्लस माइनस ए लिख सकते हैं जी बिल्कुल लिख सकते हैं कैसे क्योंकि प्लस जब मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ प्लस माइनस इज इक्वल टू अगेन क्या है माइनस ठीक है जमा मनफी जो है वो दोबारा क्या बन रहा है मनफी बन रहा है तो ए प्लस माइनस ए को हम दोबारा ए माइनस ए लिख सकते हैं ठीक है सो so, आगे मूव करते हैं सो so, हम लिखेंगे कि ए बल्कि सॉरी हम क्या करेंगे कि जो मैट्रिक्स ए है इसकी जगह पर मैट्रिक्स ए लिखेंगे हमारे पास क्या है ए हमारे पास है थ्री वन टू फाइव थ्री वन टू फाइव मैं आ रहा हूं यहां पर मैं लिखता हूं मैट्रिक्स ए की जगह पर मैट्रिक्स लिख रहा हूं थ्री वन टू फाइव फिर प्लस फिर मैं लिखूंगा फिर मैं क्या लिखूंगा माइनस ए लिखूंगा बेसिकली जो मैट्रिक्स माइनस यानी एडिटिव इनवर्स ऑफ ए हमने जो फाइंड किया हुआ है वही लिखेंगे हम ठीक है एडिटिव इनवर्स ऑफ ए क्या फाइंड किया था हमने कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है वो क्या था माइनस थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस फाइव यानी सिर्फ और सिर्फ अलामत जो है वो चेंज करने होंगे हमने मैट्रिक्स ए के सो so, हम लिखेंगे माइनस थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस फाइव ये हमारे पास क्या बना मैट्रिक्स माइनस ए ये हमारे पास माइनस ए बन गया बेसिकली क्या हो रहा है कि ये चीज जो है ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास किसके इक्वल है <coughs> ये हमारे पास इक्वल है माइनस ए के और ये जो मैट्रिक्स है ये किस चीज की इक्वल है ये इक्वल है मैट्रिक्स ए के मैट्रिक्स ए के इक्वल है ठीक है प्लस की जगह पर प्लस आ गया सो so, आगे चलते हम लिखेंगे कि इन दोनों को जब आपस में एड करेंगे तो चूंकि दो मैट्रिस आपस में तभी एड हो सकते हैं जब इनके ऑर्डर जो है सेम हो उस, उन मैट्रिस के मर्तबा अगर सेम हो <coughs> इक्वल हो तब जो है वो आपस में एड हो सकते हैं so, चूंकि ये, है, ये भी टू बाई टू है दोनों आपस में एड हो सकते हैं इसके अलावा अब मैं इसको एड कैसे करेंगे जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको आपस में बेसिकली एड किया जाता है ठीक है प्लस किया जाएगा सो थ्री प्लस माइनस थ्री क्या लिखेंगे थ्री प्लस माइनस थ्री उसके बाद क्या है वन प्लस माइनस वन वन प्लस माइनस वन ठीक है इसी तरह टू प्लस माइनस टू टू प्लस माइनस टू फिर फाइव प्लस माइनस फाइव फाइव प्लस माइनस फाइव अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं इस मैट्रिक्स को तो हमारे पास आएगा कि थ्री प्लस माइनस क्या हो जाएगा थ्री माइनस थ्री प्लस माइनस इज माइनस फिर वन प्लस माइनस क्या होगा माइनस सो वन माइनस वन वन माइनस वन इसी तरह टू प्लस माइनस माइनस सो टू माइनस टू इसी तरह लास्ट वाला जो है वो बन जाएगा फाइव माइनस फाइव ठीक हो गया इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा थ्री माइनस थ्री इज जीरो वन माइनस वन जीरो टू माइनस टू जीरो फाइव माइनस फाइव जीरो और ये हमारे पास इक्वल है किस चीज के ये हमारे पास इक्वल है आ, नल मैट्रिक्स के और अगर हम देख ले कि बेसिकली नल मैट्रिक्स ये किस चीज इक्वल है राइट हैंड साइड के इक्वल है और यहां पे हमारे पास क्या चल रहा था लेफ्ट हैंड साइड यानी क्या चल रहा था ए माइनस ए जिसको हमने लेफ्ट हैंड साइड लेफ्टर किया था वो किस इक्वल आया राइट हैंड साइड के इक्वल आया हमारे पास देखिये दोबारा देख ले इसको हमारे पास गिवन ये था कि a माइनस ए को जो है हमने शो कराना था किस चीज के नल मैट्रिक्स के हमने लेफ्ट हैंड साइड दिया था किस चीज को a माइनस ए को और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड तो जब लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या था ओ और ओ बेसिकली क्या है वो राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड टू क्या हुआ राइट हैंड साइड गुड ओके सो जो अगला पार्ट है वो है ई माइनस ई इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स ओ सो पहले हम देखेंगे कि ई माइनस ई हमारे पास क्या है बेसिकली जो मैट्रिक्स ई e है आ, अच्छा हम ई माइनस ई को जो है अगेन जिस हमने पार्ट नंबर ए किया था उस तरह जो है इसको भी सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे कि ई माइनस ई को हम जो है ई प्लस माइनस ई की तरह लिख सकते हैं ठीक है सो so, लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड जो कि इक्वल है ई प्लस माइनस ई मैट्रिक्स ई हमारे पास क्या है बेसिकली हमने सॉल्व किया था कि मैट्रिक्स ई e जो है वो है थ्री टू वन फोर फाइव थ्री थ्री टू वन फोर फाइव थ्री थ्री टू वन फोर फाइव थ्री सो हम लिखेंगे थ्री टू वन फोर फाइव थ्री उसके बाद लिखेंगे प्लस उसके बाद लिखेंगे द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ई जो कि क्या होगा माइनस ई e के होगा और हम ऑलरेडी इसको फाइंड कर चुके हैं और वैसे भी हम दोबारा बजाय वहां पे देखने के हम इसको लिख सकते हैं कैसे लिखेंगे कि जितने भी अलामत है मैट्रिक्स ई e के उनको चेंज करेंगे यानी अगर कोई पॉजिटिव थ्री है तो उसको हम नेगेटिव थ्री करेंगे पॉजिटिव टू है तो उसको नेगेटिव टू करेंगे इस तरह तमाम एलिमेंट्स के जो अलामत है जो साइंस है उनको चेंज करेंगे तो वो एडिटिव इनवर्स ऑफ ई बन जाएगा तो ये हमारे पास पॉजिटिव थ्री बन जाएगा नेगेटिव थ्री देन नेगेटिव टू नेगेटिव वन नेगेटिव फोर नेगेटिव फाइव नेगेटिव थ्री अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा आ, हम क्या लिखेंगे कि थ्री minus three sorry three plus minus three three plus minus three is can get three plus minus minus three is there two plus minus minus two so we can get two minus two you see there are one one minus one four minus four five minus five three minus three. आ जाएगा हमारे पास ठीक है इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा वन माइनस वन इज जीरो फोर माइनस फोर जीरो फाइव माइनस फाइव जीरो थ्री माइनस थ्री जीरो ठीक हो गया अच्छा जी सो so, ये बेसिकली इक्वल है किस चीज के मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स के यानी नल मैट्रिक्स की इक्वल है जो कि हमारे पास क्या था राइट हैंड साइड था ठीक है ये हमारे पास क्या था राइट हैंड साइड तो इसको भी हमने क्या कर दिया शो कर दिया तो आप देखोगे हैंड्स हैंड्स शो दैट ई माइनस ई इज इक्वल टू अनल मैट्रिक्स ठीक है जल्दी से अगले वाले पार्ट की तरफ चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे है डी प्लस नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू डी ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि आ, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ नल मैट्रिक्स को एड करेंगे अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ नल मैट्रिक्स को एड करेंगे तो हमारे पास दोबारा वही मैट्रिक्स बनेगा कैसे जिस तरह मैं स, मैंने पहले समझाया था कि टू के साथ अगर हम जीरो को एड करेंगे या किसी भी नंबर के साथ लेट सपोज कोई भी नंबर हो उसके साथ अगर आप जीरो को ऐड करोगे तो वो नंबर वैसे ही रहेगा तो टू के साथ अगर जीरो को करेंगे तो वो क्या रहेगा टू ही रहेगा इसी तरह किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर आप नल मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो वो मैट्रिक्स चेंज नहीं होगा वो वही मैट्रिक्स रहेगा ठीक है सो so, मूव करते आगे हम लिखेंगे डी प्लस जीरो इज इक्वल टू तो डी सो so, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास है डी प्लस डी प्लस ओ और हम लिखेंगे डी हमारे पास क्या है डी हमारे पास है मैट्रिक्स डी हमारे पास क्या क्या है कि रेडिकल टू मेर रूट ऑफ टू फाइव फोर स्क्वायर रूट ऑफ थ्री स्क्र रूट ऑफ टू फाइव फोर स्क्वे रूट ऑफ थ्री हम लिखेंगे स्क्वेयर रूट ऑफ टू फाइव फोर स्क्वेयर रूट ऑफ थ्री प्लस ये क्या है नल मैट्रिक्स है तो हम यहां पर भी, भी क्या करेंगे नल मैट्रिक्स का हमें पता है कि नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके तमाम एलिमेंट जो है वो इक्वल टू जीरो हो वो सारे जीरो हो तो हम लिखेंगे जीरो जीरो, जीरो, जीरो। अब यहां पे हमने नल मैट्रिक्स टू बाई टू क्यों लिया क्योंकि अगर मैं टू बाई टू के अलावा कोई और मैट्रिक्स लूंगा तो वो इस मैट्रिक्स के साथ यानी मैट्रिक्स डी के साथ जो है वो एड नहीं हो सकेगा इसलिए मुझे यहाँ पे जो मैट्रिक्स है उसको टू बाय टू लेना पड़ेगा ठीक है सो हम लिखेंगे स्क्वेयर रूट ऑफ टू प्लस जीरो स्क्वेयर रूट ऑफ फाइव प्लस जीरो सॉरी स्क्वेयर रूट ऑफ टू नहीं बल्कि सिर्फ फाइव प्लस जीरो फिर फोर प्लस जीरो स्क्वेयर रूट ऑफ थ्री प्लस जीरो इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा किसी भी चीज के साथ जीरो को एड करोगे तो जिस तरह मैंने कहा कि वो वैसे ही रहेगा तो हमारे पास आएगा स्क्वेयर रूट ऑफ टू फाइव फो फोर प्लस जीरो फोर रूट ऑफ थ्री प्लस जीरो तो स्क्वेयर रूट ऑफ थ्री ठीक हमारे पास दोबारा किस चीज इक्वल आया डी के इक्वल आ गया ठीक है तो हम लिखेंगे हम क्या लिखेंगे डी प्लस ओ Is again equal to D. Hence, short. Chicoge.